तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ से हमारी एंट्री होएगी। वो हमारे अति कुमारी, पहले हमारी अति कुमारी की तो अभी तो हम आधा भी नहीं पहुंचा अर्धकुंवारी। ये देखिए अभी तो ये तो नीचे है, ये देखिए ये कटरा है, आपको दिख रहा होगा। और ये सूरज तो हम ये इस जीने से रास्ते से चढ़ रहे हैं। अरे बंदर को देख के, लेकिन तो अभी हम ना अर्धकुंवारी पर चढ़े नहीं है और हम इतने थक गए हैं, हम लोग सांस अटक गई है, सांस अटक गई है। जोर के बोलो। अरे जान लगा के तो बोल सकती है गुड़िया, तू भी बोलना। हाँ अरे उसने तो नहीं तो उसने तो पूरा जान लगा के बोल। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो फाइनली हम अर्धकुंवारी पे पहुंच ही गए हैं। ये देखिए अरे इधर आ जाओ। तो ये हम पहुंच गए अर्धकुंवारी फाइनली। तो हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं देखो, और ये सूरज ढलता हुआ। हाँ हमें पिताजी ने कहा है ये अर्धकुंवारी पे हमें कम से कम हमें यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा आराम किया 1 से 1.5 घंटा, और हम जा रहे हैं भवन वाले रास्ते पे। ये रहा भवन वाला रास्ता, चाहे तो इधर से निकल जाता है चाहे तो इधर से निकल जाए। चलो 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 ये देखिए यहाँ से कटरा कितना सुंदर सा लग रहा है। वीडियो बनाओ चामरो बनाओ। चल चल आओ जल्दी। हाँ हमने वैष्णो देवी के ना दर्शन कर लिए थे, और हमारी रात पर इतनी हालत बेकार होगी कि ठंड में खड़े रह
इतना परेशान हो गए थे। अब हम जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने, और वो भी रोपे के लिए हम अभी लाइन में खड़े हैं, और ये 7:30 के आसपास खुलेगा। बहुत ठंड है, बहुत भयंकर ठंड है। हमने रात कैसे गुजारी है इसको हमें ही पता है, वो मुझे पता है। इसको तो सबसे पहले पता है, बता इस सबसे ज्यादा तो इसको ज्यादा ठंड लग रही है। और हमारे पीछे इसको देखो मास्क लगा के, इसको तो ऑक्सीजन पूरा ले रही है ये। वो पीछे देखो सारे ऑक्सीजन वो भी ले रहा है। काशी मामा कहाँ गए? और ये रोपे के लिए लाइन लग रही है। मम्मी तो यहाँ पे भी तुम्हें हम लोग ना रेपो से आए थे भैरव बाबा के लिए। देखो अभी जा रहे दर्शन करने, हम लोग ने भैरव बाबा के दर्शन कर लिया है। फोन तो अंदर ले जाने नहीं देते, इसलिए तो हम लोग ने आप लोग को दर्शन नहीं करा पाएंगे। ये हम भैरव जी के पे हैं, देखो भैरव बाबा पे, भैरव बाबा जी की छत पे पूरा ग्राउंड था, थोड़ा बहुत दिखेगा जो इतना घूमते जाओ। ज्यादा उधर मुझे ना वीडियो बना लेगा तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ से, वो कटरा का पूरा सीन, ठीक है ये देखिए। ये बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे धुंध छाई हुई है हल्का हल्का, बट थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको। ये भैरव बाबा जी की छत से हम देख रहे हैं यहाँ, देखिए आज कितना रश है भैरव पे, आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है। चल आगे चल, उधर तो बर्फ गिर रखी है उधर, देखिए वो हिमालय का, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ यहाँ से, उधर बर्फ गिर रखी है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको माता रानी का दिखाती हूँ, देखिए इतना सुंदर। अच्छा तेरे को ठंड लग रही कि नहीं लग रही? ठंड लग रही है, मगर इतनी ठंड नहीं है ना फिर भी, मतलब भवन जी के पास इतनी ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी वहाँ, तो हम रात भर बसेरा जब किए ना, हाँ रात भर जो बसेरा किया था हमने ना, तो उस वहाँ पे सारे सारे ऐसे सिकुड़ गए थे। बहुत ये मेरा भाई है, ये हमारा कजन भाई है, और ये छोटंगी है हमारा, चल जाके वो भी खड़ा सेल्फी फोटो खींचना। सारे फोटो खींचते हैं। ये देखिए मेरे बड़े मामा जी हैं, और ये नहीं ये बड़े मामा जी हैं, नहीं ये बड़े मामा जी हैं, ये बड़ी मामी है, ये बीच वाले मामा जी, वो बीच वाली मामी जो मम्मी और सिस्टर है, ठीक है। और हम
देखिए ओके और घर तो आते दर्शन करने के बाद हम भगवान पे दोबारा रानी के नहीं यहाँ से जरे नहीं मेरी भी बनाओ तेरी बनाई है मैंने तो हम लोग वैष्णो देवी से नीचे उतर के आ रहे थे तो हमको ये एक जानवर मिला मामी थोड़ा मेरे को जानवर दो इतना ऊपर से आया ये यहीं रहता है इस तरह का जानवर देखने को मिला हमको पीछे देखो पीछे हम ना अर्धकुंवारी आए थे तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए गुफा में अर्धकुंवारी के जब तो कह रही हूँ अर्धकुंवारी पे हम लोग तो इतना सुंदर व्यूज होते ना मन करता है तो बस देखते रहो है ना है साइड